दोस्तों, अगर आपने कभी भी Amazon Prime का अगर मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन लिया है और आपके फोन में सब्सक्रिप्शन तो आपने ले लिया, लेकिन जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन का डेट पूरा होता है तो आपको ऑटोमेटिक पेमेंट कटने का एक मैसेज आ जाता है। यानी कि Amazon Prime का अगर आप एक बार रिचार्ज करते हैं तो दोस्तों दोबारा आपको रिचार्ज खुद से नहीं करना पड़ता है। जिस आईडी से आप रिचार्ज करते हैं उसी आईडी से क्या करता है कि दूसरे महीने पैसे को कट कर लेता है। यानी कि ऑटोमेटिक पेमेंट का जो सेटिंग है वो ऑन हो जाती है और हमारा Amazon Prime का रिचार्ज वह ऑटोमेटिक क्या करता है कि कट करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपने भी Amazon Prime का रिचार्ज करवाया है और आपको भी मैसेज आए हुए हैं कि ऑटोमेटिक पेमेंट कट का, और आप चाहते हो कि नहीं अब हमें ऑटोमेटिक पेमेंट कट ना हो, तो हम उसे कैसे रोकेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आइए बताते हैं कि अगर आपने Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन लिया है और आपको ऑटोमेटिक पेमेंट का रिमाइंडर मिल रहा है तो हम उसे कैसे रोकेंगे। देखिए दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को अपने फोन में Amazon की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। आप लोग Amazon एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और जिस फोन नंबर से आपने Amazon Prime का रिचार्ज किया है प्राइम वीडियो का, उससे लॉगिन हो जाइएगा और इसे ओपन कीजिएगा। जैसे दोस्तों इसको ओपन करेंगे, यहां पर Amazon Pay नाम की एक सेटिंग होगी, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को आएगा। उसके बाद में इस तरीके से नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है। जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे दोस्तों, आप लोगों को यहीं पर मैनेज नाम की एक सेटिंग होगी, इस मैनेज के बगल में यहां पर अकाउंट की एक सेटिंग होगी, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहां पे प्रोफाइल का, यहां पर पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आएगा, नीचे आपको मैनेज सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, यहीं पर आप लोगों को देखिएगा एक सेटिंग दिखेगा मैनेज ऑटोमेटिक पेमेंट। यानी कि यह जो ऑटोमेटिक पेमेंट होता है, यह सेटिंग ऑन हो जाती है, जिसके कारण में Amazon चाहे आप कहीं से भी आप पेमेंट अगर करते हैं तो यह ऑटोमेटिक कट करने लगता है। तो आपको इसको रोकने के लिए इसके ऊपर में एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन कितना लिए थे, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन कितना था। तो देखिए मेरा 299 का सब्सक्रिप्शन था और हमें यह कहता है कि 8 जनवरी को यह ऑटोमेटिक 299 रुपये हमारे ICICI बैंक से कट कर लिया जाएगा। तो हमें इसके सब्सक्रिप्शन को रोकना है, तो कैसे रोकेंगे, जब हम यहाँ पर आएंगे जो भी आपका पेमेंट का सब्सक्रिप्शन होगा आपको यहाँ पे शो होगा। अगर इसको आप ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर में डिसेबल का एक ऑप्शन है, बस इस डिसेबल के ऊपर में आपको इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे डिसेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिसेबल ऑटो पे का ऑप्शन आएगा, पूछता है यस या नो, तो हमें भैया यस हमें डिसेबल करना है, तो हमने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया। यहाँ पर देखिए लिख दिया योर रिक्वेस्ट टू डिसेबल ऑटो पेमेंट मेथड टू प्राइम मेंबरशिप इन पेंडिंग। दोस्तों थोड़ी देर के अंदर में आपको मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि जो भी आपका Amazon Prime का ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर था वह कैंसिल कर दिया गया है और आपका पेमेंट आपके अकाउंट से कट नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि प्राइम वीडियो का ऑटोमेटिक पेमेंट कट कैसे रोके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।